का काफी योगदान है आज की आधुनिक दुनिया के विकास में। यही वो शहर है जहाँ से शुरुआत हुई नहरों की, रेल की और कॉपर माइनिंग की। तो ये जगह जहाँ हम इस वक्त हैं, ये है यहाँ का सिटी सेंटर, जिसे 2000 साल पहले रोमन्स द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी लोकेशन बेहतरीन होने की वजह ये भी है कि मैनचेस्टर दो नदियों के बीच स्थित है, जिसे विश्व के सबसे पहले नहर में तब्दील कर दिया गया था। नहरों के बाद यहाँ रेलवे लाइंस का निर्माण हुआ। ये एक ऐसा शहर है जो आज एक बहुसांस्कृतिक शहर बन गया है, क्योंकि यहाँ कई जगहों के लोग बसे हैं और ये एक बहुत ही दिलचस्प शहर बन गया है। ये नॉर्दर्न इंग्लैंड का हब है और यहाँ आपको इतिहास और ट्रेंडी चीजों दोनों जानने का मौका मिलेगा। मैं हूँ यहाँ एक दिन के लिए या उससे थोड़ा और लगभग 1.5 दिनों के लिए, और मैं ये सब एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन का मौसम ऐसा है कि भले ही अभी बारिश हो, लेकिन वो कभी भी बदल सकता है। और 5 नवंबर 1980 में ये बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान की, जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर फ्री होने की कोशिश कर रही है। यहाँ इतने सारे इंडस्ट्रीज के बावजूद मैनचेस्टर एक न्यूक्लियर फ्री शहर है। तो जब आप सिटी सेंटर में हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, सभी जगह सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं। और रेवोल्यूशन के दिनों में शायद ये पूरी जगह प्रदूषण और काले धुएं से भरी हुई होगी। तो ये है सिटी टाउन हॉल। अगर हम बात करें 1850 के दशक की, तो मैनचेस्टर एक नगर से शहर बन गया, जिसकी वजह से यहाँ एक काउंसिल बना और साथ ही काफी सारे नियम और कानून भी बनाए गए, जिसका निर्णय यही सिटी टाउन हॉल में किया गया था। अब ये रेनोवेशन के लिए बंद है। इसका निर्माण 1860 के दशक में करवाया गया और ये 2024 तक बंद रहेगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और रेनोवेशन के बाद ये शायद और सुंदर दिखे। गॉर्जियस। और ये प्रतिमा है प्रिंस अल्बर्ट की। मैनचेस्टर हमेशा ही लोगों से भरा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दिनों में लोग यहाँ काम के लिए आते थे। क्या आपको पता है मैनचेस्टर का राज्य चिन्ह मधुमक्खी है, जो यहाँ के लोगों की काम करने की चाहत को दर्शाता है। प्रिंस अल्बर्ट को लोग काफी पसंद करते थे और उनकी मृत्यु पर लोगों ने ये तय किया कि वो उनकी याद में कुछ बनवाएंगे, और उन्होंने अपने खुद के पैसों से ये प्रतिमा बनवाई। खूबसूरत लग रहा है, ये दरअसल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का केंद्र बिंदु है ना? जी हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये सबसे मुख्य जगह थी। ये दुनिया के सबसे पुराने स्टीम पावर्ड मिल्स हैं। अगर बात करें 1700 के अंत की, यही वो समय था जब मैनचेस्टर में बदलाव आया था। इसी दौरान कॉटन इंडस्ट्री में स्टीम से मशीन चलाने की शुरुआत हुई थी। ये सभी 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन काम करते थे, सभी बच्चे भी काम पर जाते थे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये काफी खूबसूरत है। अब यहाँ नए अपार्टमेंट्स हैं, नए बंदरगाह है, पूरे शहर का पुनर्जन्म हुआ है। ये काफी दिलचस्प बात है कि उन दिनों में यहाँ इतने आविष्कार हुए। तो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों था कि मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज का केंद्र बिंदु था? दरअसल इसकी कहानी जुड़ी है कोल और ट्रांसपोर्ट से। तो ये जो कनाल्स आप देख रहे हैं, यहाँ से मिल्स के लिए कोल लाया जाता था। सबसे पहला जो कनाल था वो था ब्रिज वाटर कनाल, जो कि मैनचेस्टर में था, जिसके जरिए कोल लाया जाता था। मिल्स या मशीनरी को चलाने के लिए स्टीम पावर का उत्पादन करना जरूरी था। तो ये सभी इंडस्ट्रियल स्टोर्स थे जो मैनचेस्टर के मिल्स के लिए थे, और पूरी दुनिया के लिए यहीं से कॉटन बनता है। जी हाँ, यही है। और आज ये अपार्टमेंट्स में तब्दील हो चुके हैं और इस पूरे क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाया गया है।
और ये काफी अच्छी बात है। नए लोग आ रहे हैं, नए बंदरगाह बन रहे हैं, ऐसे ही पूरे क्षेत्र में तब्दीली आई है। इन कनाल्स को इंडस्ट्री के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है आजकल, टूरिस्ट के घूमने के लिए, क्योंकि कनाल्स काफी स्लो थे। अच्छा। और जब मैनचेस्टर में रेलवे की शुरुआत हुई तो आपको पता ही होगा रेलवे की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उसके बाद कनाल्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, लेकिन आज इसे टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये बंदरगाह यहाँ बनवाया गया। ये एक बेहद खूबसूरत जगह है कुछ समय बिताने के लिए, खासकर जब मौसम इतना अच्छा है। यहाँ का मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है। मैंने काफी सुना है। तो आपने पहले कनाल्स बनाए, फिर स्टीम की शुरुआत की, फिर ट्रेन्स की, आपने सारी जरूरतमंद चीजें दी। कंप्यूटर्स को मत भूलिए, मैनचेस्टर ही वो जगह है जहाँ से दुनिया की प्रगति हुई थी। इन सब आविष्कारों के लिए शुक्रिया। और अभी यहाँ क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी यहाँ इंडस्ट्रीज भी नहीं है। एक तरह का दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर चल रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटीज है, बड़ी फुटबॉल टीम है, इस वजह से यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है। लोग आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की शुरुआत कहाँ से हुई। मैनचेस्टर एक बहुत ही मजेदार जगह है, यहाँ पर देखने के लिए कई सारी चीजें हैं। ये अमेजिंग है क्योंकि ये शहर बहुत अनोखा है। यहाँ नई इमारतें क्यों न बनाई हो, लेकिन इस जगह का इतिहास इतना ही दिलचस्प है। ये शहर पुरानी और नई चीजों का मिश्रण है। सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं। मैनचेस्टर में रहने का एक अलग ही मजा है। यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन बहुत अनोखा है, पूरी दुनिया से लोग आकर यहाँ एंजॉय करते हैं। कंप्यूटर की प्रतिकृति है, ये उसका निकनेम है क्योंकि ये बड़ा है, और ये दुनिया का पहला स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी।